में दबंगों की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि उनके मन में कानून नाम का कोई जर ही नहीं है। दबंग युवक सरेआम किसी से भी मारपीट कर लेते हैं और लड़की महिलाओं को छेड़ते हैं। ऐसा ही एक छेड़छाड़ का मामला जिला मुरादाबाद जनपद थाना मुंडा पांडे क्षेत्र से आ रहा है। जानकारी के अनुसार गांव खरकपुर जगतपुर निवासी मोहम्मद सलीम अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में पास के ही गांव में गए हुए थे। तभी अचानक से तीन बाइक सवार युवक आते हैं और उनकी चलती बाइक में चक्कर मार देते हैं। टक्कर लगते ही वह खाई में गिर जाते हैं। हादसे में बच्चे सहित तीनों बाइक सवार चोटिल हो गई, जिसमें पीड़ित ने टक्कर मारने का विरोध उन दबंगों से किया तो फिर क्या, दबंग लोग खाई में जाकर महिला सहित तीनों को बुरी तरह से पीटते हैं और महिला के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। महिला का यह आरोप है कि जो शादी में जाने के लिए जो आभूषण पहन रखे थे वो भी दबंग युवक लूटकर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर दबंग लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही है। घटना में पीड़ित महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मोहिना जी, क्या मारपीट हुई है आपके साथ और कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की है? जी, तो हम सरदार नगर अटरिया दावत खाने जा रहे थे जी। वो मैन रामपुर बारात में आ रहे थे, सामने से हमारी गाड़ी में टक्कर उन्होंने बहुत तेजी के साथ में गाड़ी थी टक्कर मारी थी। फिर उसके बाद लिफ्टी लिफ्ट ओवर करी उन्होंने। फिर मैं बचाने के लिए जब चली थी तो मेरा बूढ़े का दुपट्टा भी उतर गया। फिर उसके बाद मेरे कानों की झुमकी गिर गई। फिर उन्होंने गलत सलत थोड़े मेरे हाथ भी चलाए थे। क्या लोग थे वो? तीन लोग थे, मेरे साथ में एक बच्चा था, मेरे हस्बैंड थे। बच्चे को भी मारा आपके? बच्चा अलग था, मेरे साथ में थोड़ी जास्ती कर रहे थे। क्या चाहती हो आप? गए चाहते हैं उनके साथ में जो हमारे साथ में गलत करा था जी। उनके लिए उनके साथ में हमें गलत करना कार्रवाई करनी चाहिए। चोट कहाँ कहाँ आई है आपके पति के? चोट हमारे हस्बैंड के पैर में लगी थी, टांग में पूरी लगी थी, जहाँ तहाँ कमर समर में लगी थी। डंडे मारे हैं? डंडे मारे बुरी तरीके से, तोड़ कमा से लिपटे के डंडे पर। और मुझे भी लिपटे थे, मेरे गलत सलत हाथ भी लगाए थे। पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। आप कहाँ हैं? मोबाइल छीन लिया था उन लोगों ने। छीन गई थी, ना पता उन लोगों पर है, ना पता वो मिली नहीं जमी। ठीक जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम भाई, किसने मारा है और क्या छेड़छाड़ की गई है? सर मैं मतलब वहाँ जा रहा था शादी में जी। उसके बाद में मतलब मेरी बाइक में जो है ना सामने से बाइक मार दी लगे। अच्छा जी। फिर मैं गिर गया था। अच्छा। मेरा भतीजा पीछे आ गया था, 5 मिनट लेट हो गया। अच्छा। वो मेरा मतलब जैसे मैं गिरा बेतमीजी कर रहा था, दिखता नहीं होता वो नहीं होता। अच्छा जी। हमारा भतीजा थोड़ा वगैरह बोले तुम्हारे बाप को मर के सर कहीं मतलब क्यों इतनी बेतमीजी करते हो। अच्छा। भतीजे को भी मतलब लेट लेट का मारा। महिला के साथ भी मारपीट की? महिला के साथ में सर मतलब वो जब उसने बचाने चला तो उसके साथ भी मतलब उन्होंने जाति करी। अच्छा जी। हाँ। क्या पुलिस को तहरीर दी है? जी सर दिए। पुलिस मौके पर पहुंची थी? मौके पर नहीं पहुंची सर। चोट कहाँ कहाँ है आपके? चोट सर मेरे पैर में बहुत है और परिया से नीचे चोट है बहुत। क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाहता क्या हूँ ऐसा मतलब भतीजों को मारा मेरे जाति से, ऐसा मतलब मेरे चोट मारी है फिर भी मतलब वो लोग किसी बात को मारने तैयार नहीं है। अच्छा, कौन लोग हैं वो? सर दूसरे गांव के हैं ना सर वो। क्या चाहते हो आप? गिरफ्तारी चाहते हो उनकी? क्या चाहते हो? हाँ सर, मैं उनकी गिरफ्तार की जाए। वो उन्हें एहसास तो होगा इस बात का बेतमीजी करने का, मतलब एक गाड़ी मारी मेरी गाड़ी में ठोक के मेरे पैर पर आके लगी, मेरा पैर टूट गया सर। ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।